सो हेलो एवरीबॉडी, सो गाइस स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में ना आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको क्लैश ऑफ क्लैंस का अकाउंट बैन ना करवाना हो। तो गाइस अगर आप लोग एक ट्रू क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर हो, ट्रू क्लैश ऑफ क्लैंस फैन हो, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना एंड तक, आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है गाइस। तो चलो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना, फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलो गाइस बढ़ते हैं पहले वाले के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन टू दी फर्स्ट वन। एंड गाइस फर्स्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैट के बारे में। तो गाइस अगर आप लोग इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में लिखते हो अपने क्लैन मेट्स को, समझ लो गाली गलौज कर रहे हो, तो अगर आपके क्लैन मेट्स आपको रिपोर्ट कर देते हैं तो भाई आपका जो अकाउंट है वो कुछ दिन के लिए बैन हो जाएगा। अगर आप लोग रिपीटेटिव चैट्स वापस लिखते रहते हो और आपके क्लैन मेट्स को तंग करते रहते हो तो आपका जो अकाउंट है ना हमेशा के लिए बैन हो जाएगा और वो आपको कभी नहीं मिलने वाला गाइस, कभी भी नहीं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना क्योंकि इसमें मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरे 3 अकाउंट एक साथ कैसे बैन हुए थे, एकदम एक साथ परफेक्ट टाइम में कैसे बैन हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहो। सो लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड वन। तो गाइस सेकेंड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन अप्रोप्रिएट बेसिस के बारे में। तो गाइस आपको ना बिल्कुल ही एकदम 18+ बेसिस आपको नहीं बनाने का। इस 18+ आप लोग समझ जाओ किस बारे में। तो गाइस आपको ऐसे डिज़ाइन के बेसिस बिल्कुल नहीं बनाने क्योंकि आपको तो पता ही है क्लैश ऑफ क्लैंस बच्चे भी खेलते हैं। तो गाइस अगर ये सारे बेसिस उनके सामने आ गए तो भाई उनका एकदम इंटेंशन जो है वो गलत हो सकता है गाइस। तो इसीलिए क्लैश ऑफ क्लैंस इनको बैन कर देगा। सुपरसेल जो है इन सारे के सारे ऐसे बंदों को जिनका जो बेस है इनअप्रोप्रिएट है उनको बैन कर सकता है गाइस, तो बी अवेयर। सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड वन। एंड गाइस थर्ड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लैन डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो गाइस क्लैन डिस्क्रिप्शन में भी आजकल है ना काफ़ी सारे लोग डिज़ाइने बनाते हैं और कभी कभी तो ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं जो कि एकदम इनअप्रोप्रिएट होता है, 18+ होता है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा आजकल डिज़ाइन के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स आ गए, जैसे कि आप लोग लेटर से ना आप लोग एक डिज़ाइन बना सकते हो। तो वैसे भी आपको डिज़ाइन गलत डिज़ाइन, ठीक है आप क्रिएटिव हो वो चलेगा, लेकिन गलत डिज़ाइन नहीं बनाना है गाइस। ऐसे भी आप लोग बैन हो सकते हो। प्लस आप लोग अगर गाली वाली लिखते हो, दूसरे क्लैन को आप लोग बदनाम करते हो गाली लिखकर, तो ये टाइम पे भी गाइस आपका जो अकाउंट है वो टेम्पररीली या फिर परमानेंटली बैन हो सकता है गाइस। तो ये भी आप लोग थोड़ा संभालना, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है गाइस, गेम है मज़े के लिए खेलो, है ना। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ वन। एंड गाइस फोर्थ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉड के बारे में। तो गाइस अब मॉड जो एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि आप लोग समझ लो एक्स मॉड पहले आता था और एक आता था शायद से लकी पैचर करके। तो गाइस ऐसे मॉड से हम लोग फ्री के लूट वगैरह हम लोग कुछ कर सकते थे और हमारी एनिमी टीम को हम लोग अटैक भी कर सकते थे। तो अब यहाँ पर आती है मेरी स्टोरी कि मेरे 3 अकाउंट एक साथ कैसे बैन हुए थे। तो गाइस आपको तो पता ही है हम लोग मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं ना। तो गाइस मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एक्स मॉड, वो भी मैंने इसे ट्राई के लिए मज़े के लिए यूज़ किया था ताकि मैं अपने दोस्त को या फिर मैं अपने खुद के बेस को अटैक कर सकूँ ऐसे टाइम के लिए, ऐसे ही मज़े के लिए गाइस मैंने यूज़ किया था। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद, ये मॉड को यूज़ करने के 1-2 दिन बाद ही एकदम अचानक से भाई एक आईडी मेरी बैन हुई पहले तो। फिर मुझे लगा चल यार ये आईडी तो बैन हो गई, अब मैं क्या करूँ। सो मैं गया अपने दूसरे वाले अकाउंट में चेक करने की भाई इसका तो कुछ नहीं हुआ ना। तो भाई मैं जैसे ही उसके अंदर एंटर करने गया तो मेरा वो वाला आईडी भी बैन, वैसे ही करके तीसरा वाला भी जो आईडी था ना वो भी बैन हो गया गाइस। तीनों आईडी एक साथ बैन हो गया, जो कि उसमें से 2 मेरे थे, बाकी 1 जो था वो मेरे भाई का था। भाई उसका खुद का अकाउंट बैन हो गया, वो भी मेरे वजह से। तो गाइस ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको मॉड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। गेम को मज़े के लिए खेलो गाइस, एकदम इंजॉय करके खेलो, जैसा गेम बना है, जैसे ये गेम आगे बढ़ना चाहिए अपग्रेड हो के, वैसे ही आप लोग खेलो। उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई कि हम अपने एनिमी टीम से कैसे जीतेंगे, तो नहीं जीत सकते तो चलो मॉड यूज़ करते हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है गाइस। सो लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ वन। सो गाइस फिफ्थ में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लैन चैट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर ना आज के टाइम पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि अपने
फेक वेबसाइट को प्रमोट करने आते हैं जो कि स्पैम होते हैं गाइस, आपकी आईडी जा सकती है उसमें। तो गाइस आप लोग उनकी आईडी भी बैन करवा सकते हो। कोई भी अगर ऐसे स्पैम वेबसाइट की लिंक आपके चैट में पेस्ट कर रहा है तो गाइस इसमें से क्या होता है, अगर आप लोग उस वेबसाइट में जाते हो अपने जो डिटेल्स है वो भरते हो तो गाइस आपका जो अकाउंट है ना, जिस बंदे का भी वो फेक वेबसाइट होगा, स्पैम वेबसाइट होगा भाई, उसके पास आपकी आईडी, लॉगिन आईडी, वो सारी सारी चीज़ें चली जाएंगी और आपका जो बेस होगा ना, आपका जो आईडी होगा वो आपका नहीं रहने वाला फिर से, क्योंकि वो उसको ले लेगा अपने तरफ। एंड गाइस ये नहीं करना है, अगर आप लोग को ऐसा कोई बंदा दिखता है जो कि वेबसाइट पेस्ट कर रहा है, जो कि स्पेस डाल डाल के पेस्ट कर रहा है, तो गाइस उनको रिपोर्ट कर देना, वो लोग इजीली बैन हो जाएंगे गाइस। अगर सारे के सारे क्लैन मेट्स मिलकर उसको रिपोर्ट मारते ना तो ज़रूर से गाइस बैन हो ही जाएगा। सो गाइस चलो बढ़ते हैं सिक्स के ऊपर। तो गाइस सिक्स में मैं आपसे बात करने वाला हूँ COC के फाइल्स के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही है आजकल काफी सारे लोग लीक्स निकालते हैं और इंस्टा पे कहीं पर भी जाकर उसको लाइव कर देते हैं, जिसके मदद से गाइस उन लोग थोड़ा बहुत फॉलोवर भी गेन कर लेते हैं टू दी रिस्पेक्टिव सोशल मीडियाज, है ना। तो गाइस ऐसा भी अगर करेंगे ना आप लोग, तो अगर सुपरसेल को पता चला कि भाई ये किसका अकाउंट है, तो भाई आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है सुपरसेल के। आप लोग कोई भी क्लैश ऑफ क्लैंस के, कोई भी सुपरसेल के गेम्स के फाइल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एनक्रिप्ट नहीं कर सकते लीक्स निकालने के लिए, या फिर कोई भी अनरिलीज्ड चीज़ों को निकालने के लिए आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते गाइस। तो ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, अगर सुपरसेल को पता चलता है भाई इजी बैन हो तुम। तो गाइस ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप लोग को ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बैन नहीं होना है तो, अगर आपको बैन होना है ज़रूर ट्राई कीजिए। नहीं, मैं प्रमोट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल भी गाइस ट्राई नहीं करना है। आपके अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकते हैं और कोई आपको वापस नहीं देने वाला वो आईडी। तो गाइस ये तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से गाइस कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए ना, ऐसी अमेजिंग वीडियोस, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबा लो। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस सबसे मेन बात, डिस्क्रिप्शन चेक करो जाकर, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ है जो कि आप लोग देखना पसंद करोगे। जाओ जाकर चेक करो, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं भरे पड़े वहाँ पर, जाकर एक बार चेक कर लेना। एंड गाइस बेस्ट कमेंट आने वाला है एंड ऑफ द वीडियो में, जाकर देख लेना वो भी। तो गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट।